नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। इधर ईडी के झटके से अरविंद केजरीवाल बौखला रहे हैं तो उधर छुटते ही सिसोदिया और संजय सिंह बुरे फंस चुके हैं। नौबत तो ये आ गई है कि संजय सिंह को बवाल के बीच भागते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में तुरंत सरेंडर करना पड़ गया, वो भी पेशी की तारीख से पहले, जिसके बाद संजय सिंह की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। हालांकि कोर्ट से संजय सिंह को राहत तो मिल गई, उनकी जमानत याचिका को भी मंजूर कर लिया गया। खैर, ये मामला शराब घोटाले का नहीं था बल्कि यूपी से जुड़ा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो कोरोना के वक्त यूपी में संजय सिंह ने पंचायत चुनाव के वक्त बिना परमिशन के जनसभा की थी। बिना अनुमति के जनसभा करने पर संजय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। संजय सिंह पर कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन करने का भी आरोप है। तो ये मामला बंधुआ कला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में हुआ था। संजय सिंह के खिलाफ अदालत की ओर से जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। तो शराब घोटाले में गिरफ्तारी और मुश्किल से मिली जमानत से संजय सिंह इतना डर गए कि वो इस केस में पेशी की तारीख से पहले ही भागते हुए हाजिरी लगाने पहुंच गए। वैसे तो 15 जुलाई को संजय सिंह को कोर्ट में पेश होना था। फिलहाल कोर्ट ने उनकी याचिका भी स्वीकार कर ली है और संजय सिंह को मुचलके के साथ जमानत दे दी है। तो संजय सिंह के लिए तो राहत की खबर सुनने में आ गई है, लेकिन सिसोदिया पर मुसीबत भरी खबर सुनने को मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से चंद वक्त पहले ही जज साहब संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। तो ऐसे में अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले हफ्ते नई बेंच के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की दो अलग अलग याचिकाओं पर एक दूसरे पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे। दरअसल मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में फिर से सुनवाई के लिए स्पेशल याचिका दायर की है, लेकिन राहत मिलने से पहले ही आफत बढ़ने वाला फैसला सुनने को उन्हें मिल गया है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई जस्टिस कुमार को कुछ दिक्कत है, वे निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। बस ये फैसला सुनते ही ना सिर्फ मनीष सिसोदिया की हालत खराब हो गई बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी का दाव भी फेल हो गया है। खैर, अब 15 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी और देखना ये होगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल की तरह उनकी भी आफत और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।